आज का टॉपिक है स्विच केस इन जावा। स्विच केस हम तब यूज करेंगे जब हम किसी वेरिएबल को बहुत सारे वैल्यूज से इक्वालिटी में कंपेयर करना चाहते हैं। स्विच केस का सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। यहाँ स्विच के आगे जो राउंड ब्रैकेट लिखा है उसमें हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे। ये वेरिएबल हम अलग अलग वैल्यूज के साथ कंपेयर करेंगे। ये वेरिएबल का डेटा टाइप बाइट, शॉर्ट, इंट या फिर कैर या इनम हो सकता है। और अगर हम जावा का वर्जन 7 या उससे ऊपर का कोई भी वर्जन यूज कर रहे हैं तो ये डेटा टाइप स्ट्रिंग या कोई रैपर क्लास भी हो सकता है। रैपर क्लास के बारे में हम अलग वीडियो में देखेंगे। अब क्योंकि स्विच केस एक ब्लॉक है, हमने इसके आगे कर्ली ब्रेसेस लिखा है और कर्ली ब्रेसेस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे केसेस है। हर केस के बाद हमने लिखा है कोई वैल्यू। ये वैल्यू ब्रैकेट में लिखे हुए वेरिएबल से कंपेयर होगा और इस वैल्यू के बाद लिखा है कोलन। ये जो कोलन है इसके आगे जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो इस वेरिएबल का वैल्यू से मैच होने पे एग्जीक्यूट होंगे। ये स्टेटमेंट्स तब तक एग्जीक्यूट होंगे जब तक इन्हें ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिल जाता। अब इस सिंटैक्स को एग्जांपल में देखते हैं। क्वेश्चन है, एक्सेप्ट अ कैरेक्टर फ्रॉम कमांड लाइन एंड चेक वेदर इट इज वॉवल और कॉन्सोनेंट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये कोड लिखा है। अब अगर हम कमांड लाइन से वैल्यू सप्लाई करते हैं आई, तो वेरिएबल सी एच का वैल्यू होगा आई। यहाँ वेरिएबल सी एच है स्विच के ब्रैकेट में जो कंडीशन में है उसका वैल्यू है आई। तो हमारा कोड डायरेक्टली केस आई से स्टार्ट होगा। यहाँ केस आई के कोलन लिखने के बाद स्टेटमेंट नहीं लिखा है लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट भी नहीं लिखा है। तो ये इसके आगे ब्रेक स्टेटमेंट तक सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, इसलिए डिस्प्ले होगा आई इज वॉवल। इस डिस्प्ले स्टेटमेंट के बाद हमने ब्रेक लिखा है, इसलिए यहाँ स्विच ब्लॉक एंड होगा। अब अगर हम कमांड लाइन से वैल्यू सप्लाई करते हैं बी, तो सी एच का वैल्यू होगा बी और ये वैल्यू ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई भी कैरेक्टर नहीं है, इसलिए डिफॉल्ट के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा। स्विच ब्लॉक को हम इफ एल्स इफ से भी यूज कर सकते हैं। तो कब हम स्विच ब्लॉक यूज करें और कब हम इफ एल्स इफ ब्लॉक यूज करें? सबसे पहले देखना होगा टेस्टिंग एक्सप्रेशन, मतलब हमें ये कंडीशन किस तरह का है ये देखना होगा। इफ एल्स इफ ब्लॉक में हम रेंज ऑफ वैल्यूज या फिर कोई भी कंडीशन चेक कर सकते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसे। लेकिन स्विच ब्लॉक में हम सिर्फ वेरिएबल का इक्वल कंपैरिजन ही कर सकते हैं। स्विच ब्लॉक में हम बाइट, शॉर्ट, इंट, कैर, इनम के वैल्यूज या फिर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट या रैपर क्लास के वैल्यूज चेक कर सकते हैं, लेकिन इफ में हम सारे ही वैल्यूज चेक कर सकते हैं। दूसरा, स्विच इज बेटर फॉर मल्टी वे ब्रांचिंग। जब हम स्विच ब्लॉक लिखते हैं तो कंपाइलर इसके सारे केस वैल्यूज के लिए जंप टेबल क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल, जंप टेबल में इस स्विच ब्लॉक में जितने केस है उतने एंट्रीज होंगे और इसका हर एंट्री जंप टारगेट को रिफर करेगा जहां इसका कोड लिखा होगा। यहाँ हर केस वैल्यू कंपेयर नहीं होगा, जैसे कि अगर x का वैल्यू है 2 तो वो जंप टेबल के सेकंड पोजीशन यानी कि j टैब ऑफ 2 पे जाएगा और उसका रिस्पेक्टिव कोड जंप टारगेट से रन करेगा। का मतलब है कि अगर बहुत ज्यादा वैल्यूज के साथ वेरिएबल का कंपैरिजन हो रहा है तो स्विच ब्लॉक इफ एल्स इफ के कंपैरिजन में फास्टर रन होगा। अब हम इनम के साथ स्विच केस का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हमने डेज नाम का इनम डेटा टाइप क्रिएट किया है। जावा ने वर्जन 1.5 से इनम टाइप को इंट्रोड्यूस किया है। इस डेटा टाइप में हम लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स स्टोर कर सकते हैं। जावा सिक्वेंशियल ऑर्डर में इन कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज असाइन करेगा, यानी कि यहाँ संडे का वैल्यू है 1 तो मंडे का 2 और ट्यूजडे का वैल्यू होगा 3। इस तरह से इसके आगे हमने एक स्टैटिक एरे क्रिएट किया है जो इनम में लिखे कॉन्स्टेंट्स के असाइंड वैल्यूज
स्टोर करेगा। इसके लिए हमने इनम का वैल्यूज मेथड यूज किया है। अब देखेंगे मेन मेथड। यहाँ हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैलेंडर यूज किया है जो java.util पैकेज में है। ये क्लास उसके गेट इंस्टेंस मेथड से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने को अलाउ करता है। नेक्स्ट लाइन में हमने कैलेंडर क्लास का गेट मेथड यूज किया है। इसके ब्रैकेट में हमने लिखा है कैलेंडर क्लास के किसी फील्ड वेरिएबल का नाम जिसे कोई नंबर असाइन होता है। यहाँ हमने यूज किया है फील्ड वेरिएबल डे ऑफ वीक। ये फील्ड वेरिएबल से गेट मेथड हमें वीक डे का नंबर देगा, जैसे कि संडे का नंबर है 1, मंडे का 2, ट्यूजडे का 3, इस तरह से। एरे होता है ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ इस एरे ग्रुप का नाम है डेज और ये इनम के सारे कांस्टेंट वैल्यू स्टोर कर रहा है। फर्स्ट वैल्यू के वेरिएबल का नाम है डेज ऑफ 0, सेकंड का डेज ऑफ 1, थर्ड का डेज ऑफ 2, इस तरह से। अब क्योंकि एरे का पोजीशन काउंटिंग 0 से स्टार्ट होता है और इनम के वैल्यूज बाय डिफॉल्ट 1 से, इसलिए अगर हमारा वीकडे नंबर आता है 1 यानी के संडे, लेकिन इनम में 1 संडे नहीं रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है मंडे, इसलिए मंडे इक्वल्स है डेज ऑफ वीकडे माइनस 1। आज का डेट है 8th मार्च 2019, इसलिए आज का वीकडे है फ्राइडे। तो हमने स्विच के लिए जो वेरिएबल लिखा है वो मैच होगा फ्राइडे से। तो यहाँ इस केस के आगे जितने भी स्टेटमेंट है जब तक ब्रेक नहीं आता तब तक वो सारे ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, इसलिए डिस्प्ले होगा फिनिश योर वर्क फास्ट। डिस्प्ले स्टेटमेंट के बाद है ब्रेक, इसलिए स्विच ब्लॉक टर्मिनेट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।